हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स 24 में। आज हम लोग देखेंगे इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। आसान मेथड के द्वारा हम लोग इसे सॉल्व करना सीखेंगे किस तरह से इसमें x और y के वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिए, इसमें एक्सटेंशन एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, ये जब कभी भी इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है, ऐसे कोई ट्रायंगल दिया होता है इस तरह से, जैसे सपोज कीजिए ये ट्रायंगल दिया है, इसमें ये जो एक्सटेरियर एंगल है यही लेते हैं, ए है, बी है, सी और यहाँ डी है। तो ये जो एक्सटेरियर एंगल होता है, ये एक्सटेरियर एंगल वो इसके और इसके सम के बराबर होता है, यानी इन दोनों के सम के बराबर होता है, क्योंकि इतना बराबर होगा इतना प्लस इतना। तो इसमें देख लीजिए, यहाँ जो है ए का वैल्यू दिया है 70 डिग्री और बी का दिया है एक्स है, यानी इसमें इंटीरियर अपोजिट है, एक्सटेरियर एंगल जो होता है इंटीरियर अपोजिट एंगल्स ये और ये जो है इन दोनों के सम के बराबर होता है एक्सटेरियर एंगल। तो इसमें इसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर देंगे। देखिए, इसमें यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी डी इज इक्वल टू होगा एंगल ए प्लस एंगल बी हो जाता है, इस तरह का प्रॉपर्टी है। इसी प्रॉपर्टी का यूज करके इसे सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पे एंगल ए का वैल्यू 70, एंगल बी है एक्स में है और एक्सटेरियर एंगल दिया हुआ है 120 डिग्री। तो देखिए, इसमें करेंगे क्या, लिखेंगे यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्सटेरियर एंगल ए सी डी, यानी ए सी डी लिखेंगे। इसमें एंगल ए का वैल्यू दिया हुआ है 70 डिग्री, तो लिख देंगे 70 डिग्री, और एंगल बी जो है एक्स है, और इसमें देख लीजिए एंगल ए सी डी जो है वो दिया हुआ है 130 डिग्री। तो इसमें एक्स का जो वैल्यू होगा वो जाएगा 130 माइनस 70 डिग्री, यानी 130 में से 70 डिग्री माइनस कर दीजिए, एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यानी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री, यानी इसमें एक्स का जो वैल्यू आया हो गया 60 डिग्री। इसी तरह से फिर वाई का वैल्यू फाइंड करना है। वाई का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो वाई का वैल्यू निकालने का दो तरीका है। एक है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी से, यानी सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स जो होता है 180 के बराबर होता है, सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी तीनों का सम। तो उससे भी हम चाहे तो निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, इसमें लीनियर पेयर, यानी ये जो कोई लाइन है इस तरह से, इसमें जो दो एंगल फॉर्म करता है ये और एक ये होता है, तो दोनों का जो सम होता है वो लीनियर पेयर फॉर्म करता है, यानी एक स्ट्रेट एंगल को फॉर्म करता है। तो इस तरह से हम लोग दोनों में लीनियर पेयर का यूज करेंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी इक्वल टू 180 हो जाएगा, लीनियर पेयर से हो जाएगा, लीनियर पेयर के कारण होगा। देन इंप्लाइज दैट इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो इसका है y है, यानी इसका वैल्यू नहीं दिया है, फिर प्लस में इसका वैल्यू दिया हुआ है ए सी डी का, तो 130 डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री लिखेंगे। फिर इसके बाद यहाँ y इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 130 डिग्री, यानी y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 50 डिग्री। इस तरह से हम लोग आसानी से इस मेथड के द्वारा फाइंड कर सकते हैं x और y का वैल्यू। इसी तरह से और भी एक क्वेश्चन लेते हैं और सही सॉल्व करते हैं कैसे वैल्यू फाइंड करते हैं इसी तरीके से, यानी इसी एक्सटेरियर एंगल ट्राइंगल प्रॉपर्टी के ऊपर हम लोग एक क्वेश्चन और लेते हैं और सही सॉल्व करते हैं। ट्राइंगल का एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी को यूज करके और आसानी से इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही कम समय में। तो चलिए लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन और उसे भी सॉल्व करते हैं, उसमें भी एक्स का और वाई का वैल्यू, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इस ट्रायंगल में ए बी सी है और एक एक्सटेरियर एंगल है ए सी डी है, यानी एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका एक्सटेरियर एंगल है ए सी डी है, इसमें एक्सटेरियर एंगल दिया हुआ है 150 डिग्री। तो इसमें एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है, इसमें भी हम लोग एक्सटेरियर एंगल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और इसे भी सॉल्व करेंगे आसानी से। देखिए, इसमें क्या करना होगा, यहाँ भी लिखना होगा एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एक्सटेरियर एंगल, यानी यही एक्सटेरियर एंगल है, एक्सटेरियर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, एक्सटेरियर एंगल ए सी डी हो जाएगा, एक्सटेरियर एंगल ए सी डी हो जाएगा। Then imply that एंगल ए का वैल्यू क्या है, यानी एक्स है, फाइंड करना है इसे, तो एक्स लिखेंगे प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ है 80 डिग्री, 80 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ए सी डी जो है 150 डिग्री के बराबर है। तो देखिए, इसे एक्स इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 80 डिग्री हो जाएगा, यानी एक्स का जो वैल्यू आया वो आ गया कितना, 150 में से 80 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आ जाएगा 70 डिग्री, यानी यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया 70 डिग्री। इसी तरह से फिर वाई का वैल्यू फाइंड करना है, तो देखिए वाई में क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लीनियर पेयर का यूज करेंगे, यानी एंगल ए सी बी जो हो जाएगा, यानी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी हो जाएगा, यानी ए सी डी जो 180 के बराबर होगा, यानी एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि लीनियर पेयर होगा, यहाँ भी ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, इसका वैल्यू y के फॉर्म में है, तो इसे हम लिखेंगे y प्लस इसका वैल्यू क्या है, तो 100
50 दिया है यानी इसका वैल्यू 150 है, तो 150 डिग्री लिखेंगे इक्वल टू 180 डिग्री। ये तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री, यानी y का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 30 डिग्री, यानी y का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग आसानी से सिंपल मेथड द्वारा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, x और y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। आप चाहे तो फिगर को देखते ही आंसर बता सकते हैं। इसमें बस करना क्या होता है, ये दोनों को जोड़ दीजिए इसके बराबर करके, यानी इसका कहने का मतलब हुआ कि सीधा इतना प्लस इतना इक्वल टू ये है, तो इसको अगर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट करें तो ये निकल जाएगा ये। फिर इसके बाद इसको निकालना है, अगर तो 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। अब फिगर देखेंगे आप आसानी से इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरह से हम शॉर्ट सिंपल से मेथड द्वारा देखिए कि किस तरह से इसमें एक्सटीरियर एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, यानी एक्स और वाई का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह से फिर देखेंगे अगले वीडियो में और भी क्वेश्चन को लेंगे और उसे सॉल्व करना सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।